आज है गाने का शूट, पूरी टीम हो गई है रेडी। सेट पे तो बहुत बुरा हाल हुआ, ऐसी हरकतें मत क्या करो। हीरो बनाते सलमान खान, सेट पे देख रहे हो चारों तरफ लाइटें लाइटें, 100-150 लोग हैं। उनको गानों का नाम याद नहीं रहते हैं। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। खुशखबरी ये है, गाना आ गया है, बायो में लिंक है, जाके देख लो, बहुत ही कमाल का गाना है गाइस। मैं थोड़ी झलक दिखा देता हूँ। तो आपने गाना तो देख ही लिया, सुन भी लो जाके, बस मैंने आपको सिनेमैटिक दिखाए हैं। सुनो जाके, अभी सुनो, देखो, शेयर करो और बताना आपको गाना कैसा लगा। पायल जा रहा हूँ मैं, पायल जा रहा हूँ मैं। मेरे को फोन कर देना, कब आना। गोलू जा रहा हूँ मैं। ठीक है पायल, तो बेस्ट। ठीक है, मैं फोन कर दूंगा। ठीक है, ओके, आ जाऊंगी मैं। आज है गाने का शूट, तो गोलू और पायल सो रहे हैं, मैंने उनको उठाया भी नहीं, चाय भी नहीं पी, मैं सोचूं सेट पे पीऊंगा, बच्चे सो रहे हैं, जब तक ये उठेंगे फिर इनको बुला लूंगा, क्योंकि पायल का भी उसमें थोड़े से सिंक है गाने में, तो मैं निकलता हूं। अभी गाना कैसा लगा लड़के? भाई गाना एकदम खतरनाक है, मजा ही आ गया, मतलब जितने भी लोग देखेंगे ना, मतलब रिव्यू परफेक्ट ही मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ एक एंजॉयमेंट के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए है, तो प्लीज आप ये कमेंट मत करना कि आप हथियारों को प्रमोट कर रहे हैं। सारे जितने भी हथियार आपको गाने में दिखेंगे सारे डम्मी हैं, एक्टिंग के लिए यूज होते हैं, जैसे आपने मिर्जापुर में देखा होगा बहुत सारे वेपन, तो वैसे हमने सिर्फ एक एंजॉयमेंट के लिए किया है। तो आप देख लो और बताओ आपको कैसा लगा। जिमी क्या हो रहा है? हाँ बेटी ठंड तो नहीं लग रही? हाँ भाई जिमी क्या चल रहा है? चल रहा है शूटिंग में, चलना है, चलना है, बोल चलना है। तो चल, गाना देख लिया तूने? जिमी ने भी गाना देख लिया गाइस, आप भी देख लो। तो गाइस पूरी टीम हो गई है रेडी, गोलू और पायल और नितिन और चीकू आएंगे बाद में, हम निकलते पहले। सो रहे थे बच्चे तो मैंने उठाया नहीं, मैं बोला वहाँ पे इतना काम है नहीं, तुम बाद में आ जाना। तो मंदीप भाई कह रहा है कि ये मेरा फेवरेट गाना है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा गाना है, आपने वीडियो में कमाल कर दिया भाई, और सभी भाई नंबर वन रिकॉर्ड पर जाके देखो गाने ने, शेयर कर दियो दोस्तों। ये लड़का भी है गाने में, देखो ये लड़का भी है गाने में, मजा आ गया ना। बिल्कुल जी, बहुत मजा आया। फाइनली गाइज हम पहुंच गए लोकेशन पे, और हमारे सामने बहुत ही खतरनाक डायरेक्टर, कहाँ खतरनाक, ऑल गुड टीम के बहुत ही उमदा कलाकार है, वैसे तो सारे ही हैं भाई हमारे, पर ये आदमी ना टाइम पे नहीं मिलता, ये बहुत खास बात है। तो बता, तो दो गाना आ गया कानपुर असला। गाना आ चुका है भाई का, बहुत अच्छा गाना है, हमने करना था पहले, वो बस किस्मत में नहीं था तो नहीं कर पाए, बाकी गाना एक नंबर है। दीपेश ने बहुत ही जबरदस्त शूट किया है, जयबीर भाई भी है इसमें, कमाल की वीडियो। तो मंदीप भाई खाना खा रहे हैं, और मंदीप भाई कुछ बताना चाहते हैं, जब ये सेट पे जाते हैं तो इनके साथ क्या होता है? भाई हमारे सेट पे तो बहुत बुरा हाल है, चाय भी ना मिलती, और आज मैं आपके सेट पे आया तो सुबह का नाश्ता ही, अभी खाना तो और भी बनेगा। सुबह के नाश्ते में ये है पंजाब के मशहूर अमृतसरी नान। मजा, कहने का मतलब ये है जब आप आर्टिस्ट को बुलाते हो ना अपने सेट पे, कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, तो उसको ना एक लेवल पे रखा करो, खाने के लिए लोग कमाते हैं और आप उन्हीं का खाना खा के अपनी जेब भरते हो, तो ऐसा मत करा करो। बिल्कुल भाई, देखो पूरी टीम आवे है, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करते हैं ना कि इतने भी लगा लो सेट पे 200 लोग, तो उनके ना दो टाइम का खाने के पैसे बचा के आप बड़े आर्टिस्ट को दे देते हो और बजट मैनेज करते हो, तो ऐसी हरकतें मत क्या करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। तो गाइस ये हमारे छोटे भाई हैं, सारा प्रोडक्शन यही संभालते हैं, उम्मीद करते हैं लाइफ टाइम यही संभाले। पाजी बता रहे थे कि मैं खाने के पीछे शूट छोड़ देता हूं, कि भाई मेरी टीम को खाना नहीं मिलेगा, मैं वहां शूट करूंगा ही नहीं। बाकी भाई आप बताओ। बाकी मैं कई दफा होता है भी, मैं लाइव ना करूं, फूड या डायरेक्टर बोलते हैं मोंटी लाइव नहीं करना, बजट थोड़ा कम है, मैं शूट नहीं करता, क्योंकि खाने पीछे आज लोग भाग रहे हैं, तो खाना ना प्रॉपर उनको मिले तो कोई फायदा नहीं है काम करने। पिछले शूट पे हम 250 लोग थे, लाइव खाना था, लाइव का मतलब है कि एक तरह की शादी थी, और शूट ना एक तरह की शादी होती है, पार्टी होती है, इवेंट होता है, अगर आप उनमें ना टाइम पे किसी को खाना ना मिला, आप चीजें बड़ी करना चाहते हो, आप गाना बड़ा करना चाहते हो, मूवी बड़ी करना चाहते हो, अगर आपके आर्टिस्ट को खाना नहीं मिल रहा, या फिर आपका कोई भी, देखो सब आर्टिस्ट होते हैं, अगर आपका कोई सपोर्ट वाला है, गाड़ी वाला है, वैनिटी वाला है, वो आर्टिस्ट ही है, वो सुबह उठ के आते हैं आपके लिए, मतलब 250 लोग अकेले आदमी के लिए काम कर रहे होते हैं, खाना टाइम पे मिलना चाहिए बढ़िया। जब वो वहां से निकले ना, वो कहते हैं यार देखो यार इनका गाना हिट हो या ना हो, पर हमारी दुआ है ये गाना हिट होना। मतलब आप एक बड़े आर्टिस्ट या फिर हीरोइन को जूस दे रहे हो, खाने का दे रहे हो, पीने का दे रहे हो, और एक आम आदमी जो तुम्हारे लिए छतरी ले खड़ा है, तुम उसको पानी भी नहीं पूछते, वो चीजें गलत। बाकी भाई ने गाना देखा है, बताओ कैसा गाना? बहुत अच्छा भाई, बहुत आप जबरदस्त। देख लो यार बायो में लिंक है, जल्दी जाओ। आपने नाम तो सुना ही होगा कि इंडस्ट्री या फिर हॉलीवुड या बॉलीवुड में हीरो बनाते हैं सलमान खान, और हरियाणवी में बनाते हैं हम, वो देखो हमने हीरोइन बना दिया लड़की को, वो देखो बैठे, ये मेकअप आर्टिस्ट आज इसी का मेकअप हो रहा है, देखो
तो भैया हम थोड़े से रेडी नहीं हुए, बस थोड़े से बीएड करवाई है हमने, बाकी पाजी यहाँ पे खड़े हैं। कैमरा आपकी बाजी, थोड़ा हम जबरदस्त टेकिंग के लिए थोड़ा सा ना वेरिएशन ज्यादा आ जाए तो हम कर रहे हैं FX7 से शूट। बाकी पाजी आप बताओ। पाजी बहुत ही अच्छा काम करेंगे आज, आपने जो पहले वाला अच्छा काम किया है वो जल्दी रिलीज करो पाजी आप। तो यहाँ पे चल रहा है भैया टेकिंग, समझाया जा रहा है कैसे क्या करना है, और मैं लग रहा हूँ हीरो। साउंड टेकिंग शुरू हो गई, अब अपना रोल आएगा। तो भैया इतना महंगा प्रोडक्शन है, ऑल गुड वालों का चिकन बर्गर मिल रहा है, देख लो। तो बस अब मेरा भी टाइम आ चुका है, मैं भी रेडी होने जा रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरे जो है सिंक है इस गाने में और बहुत ही अच्छे से करूंगी मैं, आपको भी दिखाऊंगी आने के बाद। आज तक आपने ना हमारे टीम के एक बहुत ही जबरदस्त आदमी से नहीं मिले, और ये रहा मेरा छोटा भाई, ये बहुत ही पीछे रहता है, क्यों रहता है खुद बताएगा, क्यों रहता है पीछे? अभी स्टार्टिंग है तो इसीलिए थोड़ा शर्म आती है लड़के को, शर्म आती है। गाना आ गया, देख लो, दोबारा बोल रहा हूँ। तो गाइस हमारा न्यू सॉन्ग जो है वो आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कानपुरी असला, और बहुत ज्यादा प्यारा गाना है। तो गाइस बस अब लास्ट शॉट है, और कितना टाइम लग जाएगा पाजी? पाजी बस रेडी है, सर्दियाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो हमने पाजी को बोला है कि हमें सेट पे आग और दारू में झाग चाहिए तो वो बहुत जरूरी है, और गाना बहुत ही बेहतरीन होने वाला। थोड़ा सेट दिखा देता हूँ, सेट पे देख लो चारों तरफ लाइटें हैं। बाकी पाजी कुछ बता सकते हो अपने बारे में? अभी पाजी गाना करेंगे लास्ट, फिर उसके बाद करते हैं मूवमेंट मस्ती वाली। आप ये भी बता दो ना आपकी इच्छा, आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो? ब्लॉगिंग करेंगे ट्राई। देखो भैया ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, पर ये सच है कि मैं हीरो लग रहा हूँ। बिल्कुल पाजी ये तो बात सही है, पर पाजी बहुत अच्छे एक्टर है, किसी ने भी वीडियो में लेना हो तो पाजी को कॉन्टैक्ट। नहीं नहीं मुझे मत लेना भैया, मैं थोड़ा बजट ज्यादा लेता हूँ, पर नहीं पर काम भी बढ़िया करके देंगे। थैंक यू जी, आपने जो तारीफ की, 100 रुपए देना इनको। तो अभी रात के 4 बज गए हैं, और गाना बनाना इतना आसान दिखता उतना होता नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, कम से कम यहाँ पे 100-150 लोग हैं, और सर्दी इतनी ज्यादा है मैं बता नहीं सकता, कुछ लोगों के तो बाल भी लाल हो गए, देखो व्हाइट हो गए सर्दी की वजह से। तो गाइस फाइनली पहुंच गए घर, बहुत ज्यादा थक गए हैं, अभी बजे सुबह के 6, और आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, और जिसने गाना नहीं देखा जाके देख लो, गुंडे का दिल है, और बहुत ही बेहतरीन काम किया है अरमान मलिक ने। कानपुरी असला बेटा, तो इन्होंने एक्चुअली इतने सारे गाने कर लिए, इनको गानों का नाम याद नहीं रहते हैं, तो इनका गाना आया है नया कानपुरी असला, जो कि बहुत ही जबरदस्त गाना है गाइस, आप सभी को बहुत पसंद आएगा, और जिसने नहीं देखा है जल्दी जाके No.1 Records पे जाके देख लेना, और इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनाना, हम सबकी रील्स शेयर करेंगे अपनी स्टोरी पे, बायो में लिंक है, जल्दी जाइए। बाय बाय।